नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल वाजपेयी। मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है गिलोय के औषधीय गुण और चमत्कारिक फ़ायदे। तो आज हम इस वीडियो में जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो इस प्रकार हैं। पहले तो गिलोय का सामान्य परिचय होगा, गिलोय से लेने से हमें क्या क्या लाभ हैं, हम उसका कैसे प्रयोग करें और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, या हमें मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं इसको लेने में, और होम्योपैथी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेद में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हम इसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं, और इसके क्या प्राइस हैं। और इसके अलावा लास्ट में एक पज़ल राउंड होगा जिसमें कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब हमारे वीडियो में ही होगा। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। COVID-19 के समय से ही एक्सपर्ट हमें कह रहे हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने से हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में मजबूत हो जाता है, और आयुर्वेद में इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी गिलोय है। इसलिए आज मैं आपको गिलोय के फ़ायदों के बारे में बताऊँगी। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और दानवों को जो अमृत निकला था, उसकी अमृत की कुछ कुछ बूंदें कहीं कहीं पर जहाँ तहाँ गिर गई थी, वहीं से गिलोय की उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत में इसको अमृता कहा जाता है। और गिलोय के आयुर्वेद में गिलोय के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। और गिलोय को इसके प्रयोग से ना केवल आप हेल्दी रहते हैं बल्कि आपको सौंदर्य को निखारने में भी बहुत मदद करती है। इसको हिंदी में गिलोय कहा जाता है और संस्कृत में इसको अमृता कहा जाता है। इसके अन्य नाम हैं गुरुचि भी कहा जाता है, गुरुच भी कहा जाता है, टीनोस्फोरा भी कहा जाता है और गुरेंचा भी कहा जाता है। तो इसके लिए आपको इसका वनस्पतिक नाम है टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया। चरक संहिता के श्लोक के अनुसार अमृता संग्राहिक वात हरदीपनी श्लेष्म शोणित विबंध प्रश्मना नाम। इसका मतलब है कि गुरुचि एक कड़वे स्वाद वाली औषधि है, जड़ी बूटी है, और ये वात और कफ दोष को शांत करती है, और ये हमारी पाचन शक्ति को उत्तेजित करती है, और रक्त या कब्ज से संबंधित जो भी विकार होते हैं उनको शांत करती है। इसका वानस्पतिक नाम टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया है। यह एक जड़ी बूटी वाली लता है। यह इसके आयुर्वेद में इसको सर्वोत्तम गुणों के लिए जाना जाता है। और अगर गिलोय अगर अकेले उगने की तुलना में अगर नीम के पेड़ पर उगने वाली लता होती है तो सर्वोत्तम मानी जाती है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने वाली जड़ी बूटी है, और आचार्य सुश्रुत ने माना है कि ये त्वरित काम करने वाली जड़ी बूटी है जिसको घावों को ठीक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। बुखार या अन्य संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करती है, और ये कैंसर रोधी एंटीबायोटिक है, कैंसर रोधी और सूजन रोधी जड़ी बूटी मानी जाती है। तो आइए अब देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर शरीर को वापस जीवंत बना देती है, शरीर हमारे समग्र स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। और इसके अलावा आयुर्वेद में बताया गया है कि जो शरीर के आवश्यक तत्व हैं धातु दोष और मल तीनों में बैलेंस बनाकर रखती है, और इसको लेने से हमारे सारे संक्रामक रोग हमारे शरीर पर हावी नहीं हो पाते हैं। यह जड़ी बूटी सभी प्रकार के बुखार, उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी और वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में सहायक है। इसके अलावा शरीर में दिखने वाले जो लक्षण होते हैं जैसे थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, कमजोरी लगने लग जाती है, शरीर में बहुत अधिक पसीना आने लग जाता है, उन सारे लक्षणों को दूर करती है। इसके अलावा शरीर ये गठिया और यूरिक एसिड को भी नियंत्रित रखती है शरीर में। इसके अलावा टाइफाइड बुखार को भी दूर रखती है, टाइफाइड बुखार को भी ठीक करने में मदद करती है। और इसके अलावा जो भी जितने भी संक्रामक रोग हैं, जितने भी संक्रमण वाली बीमारियां हैं, उन सबको दूर करती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गिलोय का प्रयोग हम कैसे करें। तो गिलोय का प्रयोग हम गिलोय का जूस बनाकर कर सकते हैं। गिलोय का जूस बनाने के लिए हमें उसकी जो बड़ी बड़ी सी डंडियाँ हैं उनको छोटा छोटा काट लेना है, और उसको छील लेना है अच्छे से, और फिर उसको पानी के साथ मिक्सी में पीस लेना है, और एक सूती कपड़े से छान कर उसको अच्छे से छान लेना है, फिर उसके बाद उसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा आप गिलोय का काढ़ा भी बना सकते हैं, जैसे कि उन डंडियों को छोटा छोटा काट लेंगे और फिर उसके बाद उसको एक कप पानी के साथ उबालने रख देंगे, और जब पानी आधा रह जाएगा तो उसके बाद उसका काढ़ा आराम से सिप सिप करके पियेंगे। और इसके अलावा अगर आप इसको और अधिक फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं तो उसमें अदरक और तुलसी भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप गिलोय का पाउडर भी बना सकते हैं, उसका जिसको चूर्ण कहा जाता है। तो इसके लिए आपको गिलोय की डंडियों को बहुत अच्छे से धूप में सुखाना होगा। पहले वह जब अच्छे से सूख जाएंगी तो उनको मिक्सी में छोटा छोटा करके उनको मिक्सी में पीस लेना है, फिर आप उस चूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन तीनों में से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ताज़ा गिलोय नहीं मिल सकता है, तो आप इसके लिए आप गिलोय वटी ले सकते हैं। कई सारे ब्रांड की मार्केट में आपको गिलोय वटी
मिल जाएंगी, आप उसको खा सकते हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आयुर्वेद में गिलोय का प्रयोग, तो आयुर्वेद में गिलोय का प्रयोग करने के लिए आप अमृतरस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि टाइफाइड बुखार को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है और क्रॉनिक बुखार जैसे भी कोई भी संक्रमण होता है उसको दूर करने के लिए एक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में है। ये हमारे सारे मतलब सारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और इसके लिए आप इसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ कि अमृतरस सिरप कैसा है। तो ये देखिए आपके डाबर का अमृतरस सिरप है, इसे आप डाबर या वैद्यनाथ किसी का भी ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसकी प्राइस क्या है। तो आपको 500 ml की बॉटल 200 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप टाटा वन MG या हेल्थ मक किसी से भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर इसको ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आप इसको ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको डोजेस बता देती हूँ। वैसे तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करें, वैसे इसके जनरली डोजेस यही होते हैं कि आप एक चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं होम्योपैथी में गिलोय की क्या इंपॉर्टेंस है। टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया को टिनोस्फोरा कार्ड भी कहा जाता है। ये डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से भी हमारी रक्षा करती है क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बढ़ा देती है, जो कि प्लेटलेट्स एकदम घट जाती हैं डेंगू में, तो इनको सामान्य कर देती है, उनको ठीक कर देती है। और ये इस पर सफ़ेद कोशिकाओं को भी बढ़ा देती है। ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ये बदन दर्द, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, इन सब के लिए अत्यंत लाभप्रद है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य करती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है जिससे बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा पित्तरस की उल्टी होने पर यह शरीर में बढ़े हुए एसिड की मात्रा को नियंत्रित करती है। टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर आप SBL, BJN, विल्मर शॉबे इंडिया, इनमें से आप किसी का भी चूज़ कर सकते हैं। कृपया भारत में ही बनी हुई मेडिसिन को ख़रीदें जिससे कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर कैसा है। ये है टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए आप इसे टाटा वन MG या हेल्थ मक से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज़ करनी है तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको 30 ml की बॉटल 100 rupees में मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको इसकी खुराक बता देती हूँ। तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसकी खुराक लें, लेकिन वो यही बताते हैं कि आप 20 बूंद आधे कप पानी में खाना खाने से पहले इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक पज़ल सेक्शन, इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका जवाब हमारे वीडियो में ही है। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे दोबारा देख लें। तो आज का प्रश्न है, किस पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय लता सर्वोत्तम होती है? अब आपके विकल्प हैं ए नीम, बी पीपल, सी आम, डी बरगद। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, साथ में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम भी मेंशन करें। तो पहले जो 10 लोग सही उत्तर देंगे उनके नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।